ऐसन का है? जरूर ऐमन के पास होगा, तुम्हें तो तौफीक नहीं आई उसका ख्याल रखने की या उसे अपने पास रखने की। मुझे क्यों सुना रहे हो? तुम्हारी अपनी बहन उसे मेरे पास हो क्या? किसी के पास भी नहीं छोड़ती। भतीजा है वो, उसका ही, उसका प्यार है उसके लिए, तुम्हें इतना तो समझना चाहिए ना। इसे वकार, तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? पूरी रात गुजर गई है। मैंने सोचा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि बच्चे की सगी माँ ने एक बार भी कॉल करके नहीं पूछा कि बच्चा कैसा है। और एक ऐमन है जो उसे एक लम्हे को भी खुद से दूर करने को तैयार नहीं। माँ ऐसी तो नहीं होती। मुमकिन है विरसा ने पूछा हो और ऐसन को लेके उसकी ऐमन से बात हुई हो। इतना तो मुझे भी पता है कि वो तुमसे तो नहीं पूछेगी। मुझसे पूछे ना पूछे, मगर तुम्हें उससे जरूर पूछना चाहिए। अच्छा, क्या पूछना चाहिए? यही के भाई, क्या हुआ ऐमन, सब खैरियत तो है? भाई वो बिरसा भाभी के अबू की डेथ हो गई है। क्या? इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई आप जाएंगे ना? अगर आप जाएं तो मामा को भी साथ ले जाइएगा। क्यों, तुम नहीं जाओगे? तुम्हारी तो काफी बनती है अपनी वर्षा भाभी से। अरे वकार बेटा, वो हमें अच्छा नहीं समझते। मुझे तो डर है कहीं हमें बुरे सलूक का सामना ना करना पड़े, मगर इस मौके पे तुमने बर्दाश्त से काम लेना है। अच्छा, तो फिर आप क्यों जा रही हैं? वैसे भी वो आपके लगते क्या हैं? आपको भी शौक है दूसरों के दुख में शरीक होने का? तुमसे किसी ने राय नहीं मांगी, समझी? तो और ये किस तरीके से तुम बात कर रही हो? अभी आप ही ने कहा आपको डर लग रहा है इसलिए कह दिया। चले जाएं, अपने इंसल्ट करवाएं। वैसे भी आप लोगों को बड़ा शौक है अपने इंसल्ट करवाने का। तुम में जरा भी लिहाज नहीं है कि मेरी माँ है, और तुम मेरी सामने इनसे इस तरह बात करोगी? अगर तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकती तो चली जाओ यहाँ से। जाओ। जा रही हूँ, जा रही हूँ। और तुम भी जाओ अपनी बीवी के अब्बा के जनाजे पे। मगर याद रखना, जब तक उसका पीछा करते रहोगे ना, इसी तरह ख्वार भी होते रहोगे। शोके जाने का। चलो वकार। चल जल्दी जल्दी खा। अरे जल्दी जल्दी खा ले, नीचे मर्ग वाले घर में कुछ नहीं मिलेगा खाने के लिए। और सुनो, जब नीचे आओ ना, तुम्हारी आंखों से और शक्ल से ये लगना चाहिए कि तुम सारी रात रोते और जागते रहे हो।
अरे पानी भी पी ले, ठुस्सा लग जाएगा। फरमान, तुम्हें क्या लगता है कि मंसूर ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली थी? तभी उसे दिल का दौरा ना पड़ गया। अरे तो अच्छा हुआ ना, अगर दौरा पड़ा है बातें सुनने की वजह से पड़ा है तो ये बातें तो मुझे पहले कर देनी चाहिए थी। नौकर बना के रखा होता उस गुड्डे ने हमें। अरे इतना शुक्र मनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ उसने अपनी बेटी के नाम कर दिया होगा। और तुम हाथ मलते रह जाना, खुद तो मर गया और हमें भी कंगला मार गया। अरे नहीं रहेंगे कंगले, तुम टेंशन नहीं लो। अच्छा, कैसे नहीं रहेंगे कंगले? सब कुछ मैंने अपने कंट्रोल में कर लिया, ये सब कुछ मेरा होगा, फरमान इकबाल अहमद का। क्या हो गया तुझे? मुझे तो लगता है कि मंसूर की मौत का सदमा हो गया तुझे। मुझे कोई सदमा नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों को सदमा सच में लगा ना, उनके पास जाके बैठो, हम बाद में बात करेंगे। चलो उठ जाओ, जाओ। है जा रही हूँ, जा रही हूँ। चल ठूस चल दे, तुम सब नीचे आ। ठूस चल दे, ठूस। ठंडा खाना दे दिया, बोलिए ठूस। जी जी मिल लीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर रुक जाएं। फातिमा बिचारी की अभी हालत ऐसी नहीं है, रो रो के बुरा हाल है उसका। अभी मिलवाती हूँ मैं। बेटी का गम बर्दाश्त नहीं कर पाया। बैठे आप लोग, बैठे बेटा, आप भी बैठे, बैठे बैठे। बात दुख हो मुझे, काश मैं उनसे माफी मांग पाता। मुझे पता है तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी, लेकिन मैं उनसे माफी मांगना चाहता था। मुझे कहना चाहता था कि मुझे बहुत बड़ी गलती हुई। बिरसा बोल,